कौन है मनोज पांडे, कैसे जानते हैं राज कटप्पा को, नीति माथुर और देवसेना कैसे एक दूसरे से जुड़ी है, बाहुबली फ्रेंचाइजी जब से आई है तभी से कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है, इस फिल्म के टिकट करीब हर 12 सेकंड में बुक हो रहे हैं, किसी फिल्म के लिए ऐसी दीवानगी पहले सिर्फ दक्षिण भारत में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये खुमार भारत के दूसरे राज्यों तक भी पहुंच चुका है। इस फिल्म ने पहले दिन ही दुनिया भर के करीब करीब 180 करोड़ की कमाई कर ली थी। हर कोई इसे हॉल में ही देखना चाहता था, यानी सिनेमाघरों में देखना चाहता था, और लोग कोशिश कर रहे थे कि वो अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा समय निकाल कर इसे जरूर देखने जाएं। बाहुबली मूल रूप से तमिल और तेलुगु भाषा में बनी थी, इसे दूसरी कई भाषाओं में डब किया गया था और पूरा उत्तर भारत इसे हिंदी में ही देखना पसंद कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म को किन कलाकारों ने हिंदी में डब किया है? बाहुबली यानी प्रभास की आवाज दी है मशहूर टीवी एक्टर शरद केलकर ने। वैसे शरद को आपने कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा और ये 1920 जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। ये कई अंग्रेजी फिल्मों की भी डबिंग कर चुके हैं। इसके साथ ही कटप्पा को आवाज दी है राज ठक्कर ने। ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस डबिंग आर्टिस्ट है। डबिंग हर कोई नहीं कर सकता, इस काम के लिए एक कुशल एक्टर की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि ये सभी पर्दे पर आए, बस इनका काम अच्छा होना चाहिए। फिर बारी आती है राणा दग्गुबती की और इनको आवाज दी है मनोज पांडे ने। ये मुंबई के काफी मशहूर डबिंग आर्टिस्ट है और कई अंग्रेजी फिल्मों और किरदारों को इन्होंने आवाज दी है। डबिंग एक ऐसी कला है जहां आपको एक्टर के भावों को हूबहू लेना पड़ता है। आपकी आवाज उसी फ्रिक्वेंसी में आनी चाहिए जिसमें एक्टर बोल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये काम एक्टिंग से कहीं ज्यादा कठिन है। इसके साथ ही अनुष्का शेट्टी यानी देवसेना को आवाज दी है नीति माथुर ने। देवसेना का किरदार बहुत शक्तिशाली है और अनुष्का शेट्टी की अदाकारी की बेहद तारीफ की जा रही है। डायरेक्टर SS राजामौली ने बाहुबली के तीसरे पार्ट की भी घोषणा कर दी है, क्योंकि ये पार्ट की कहानी अलग होगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या सब डबिंग आर्टिस्ट को इस फिल्म में फिर से काम मिल सकता है। अगर हाँ तो किस किरदार के लिए करेंगे ये डबिंग? तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है और आपका इस पर क्या कहना है हमें जरूर बताएं।